वॉर फ्रंट से एक और बड़ी अपडेट यह है कि इसराइल ने अब इस बात को मान लिया है कि उसे युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलना पड़ सकता है। लेबनान की तरफ से अचानक हमले इतने ज्यादा तेज हो गए हैं कि अब हिजबुल्ला को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। गाजा में हमास इसराइल के 44 सैनिकों को खत्म कर चुका है, वहीं अब हिजबुल्ला भी चुन चुन कर इसराइल के सैनिकों को टारगेट कर रहा है। ये गाजा नहीं है, ये हमास भी नहीं है, ये है उत्तरी इसराइल। लेबनान से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहन्नुम की आग जल रही है। इसराइल अब लेबनान को गाजा बनाने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इस हमले को अंजाम दिया है। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर हुआ यह हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इसराइल के कई सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए। हिजबुल्ला के लड़ाके रमीम बैरक के पास एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं और फिर होता है ये धमाका। इस वक्त लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इसराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी दे दी है। इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इसराइल लेबनान को माफ नहीं करेगा। इसराइल के रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए। इसराइल की वार्निंग बहुत साफ है। उसने जो हाल फिलिस्तीन के गाजा का किया है, यही हाल वो लेबनान की राजधानी बेरूत का कर सकता है। यानी इसराइल ने अब जो पहले गाजा का हाल किया है, वही वो बेरूत को दूसरा गाजा बनाकर करेगा। सवाल है कि इस युद्ध में कितने गाजा बनेंगे। हिजबुल्ला का एक और हमला देखिए। हिजबुल्ला ने इस वक्त इसराइल की नाक में दम कर दिया है, इसराइल को दूसरा मोर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। हिजबुल्ला इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है, क्योंकि हिजबुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इसराइल पर हमले जारी रखेगा। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من آخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الأداء ये लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पर यारून इलाका है। यहाँ उठता धुआं इसराइल की बमबारी का नतीजा है। हिजबुल्ला के अटैक के बाद इसराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इसीलिए डर है कि अब इसराइल बेरूत को दूसरा गाजा बना सकता है। हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरल्ला ने अपने भाषण में ऐसी बातें कही हैं कि इससे साफ है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी। खतरा है कि इसमें 10 गुना ज्यादा मौतें होंगी। टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। ये बात पहले से साफ है कि हिजबुल्ला के पीछे ईरान है। ईरान से जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हिजबुल्ला इसराइल को टारगेट करता है। ये ईरान का ऐसा प्लान है जिसमें हिजबुल्ला के हमलों के बाद इसराइल बुरी तरह उलझ कर रह गया है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इस्लामिक देश अब इसराइल के खिलाफ नहीं, वो गाजा की तबाही में बराबर का साझेदार है। ملت‌های مسلمان این را مایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. لبنان بارڈر پر چل رہی لڑائی سے الگ اگر غازہ پٹی کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ اسرائیل کی بمباری میں کھنڈر بنتا جا رہا ہے. 11,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، ان میں 5,000 تو صرف بچے ہیں. ऐसे में इसराइल की धमकी क्या हिजबुल्ला को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר,
אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनन में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्ला और ईरान के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इसराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनन के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इसराइल फिर से लेबनन का वही हाल कर सकता है जो इस बार वो गाजा का कर रहा है। इसलिए हिजबुल्ला को नेतन्याहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इजराइल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा, ये वो साफ साफ कह रहा है। 2006 का इजराइल लेबनन युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ। इजराइल के टैंक लेबनन के अंदर घुस गए थे, तब भी इजराइल का मरकावा टैंक सबसे खतरनाक युद्ध मशीन बनकर लेबनन पर टूट पड़ा था। हालांकि सीज फायर के बाद इजराइल को बड़ा घाटा हुआ, उसकी फौज को लेबनन से पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि हिजबुल्ला 2006 में हुए युद्ध को अपनी जीत बताता रहा है, क्योंकि इजराइल एक सेना नहीं बल्कि मिलिशिया को भी हराने में नाकाम रहा था। हालांकि हिजबुल्ला को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अगर ये जंग बढ़ी और लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध आर पार का हुआ तो इस बार हिजबुल्ला को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में समझ लीजिए कि अगर हिजबुल्ला को झटका लगा तो इसका असर तेहरान तक पहुंचेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है और इसमें सबसे खतरनाक बमबारी हिजबुल्ला की तरफ से की जा रही है। गाजा से अलग इजराइल लेबनन बॉर्डर पर जो युद्ध अब तक धीमा चल रहा था उसमें अचानक बारूद की मात्रा बढ़ने से दुनिया में घबराहट फैलती जा रही है। उसमें हिजबुल्ला के 73 से ज्यादा लड़ाके इजराइल के अटैक में मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल के 9 सैनिक हिजबुल्ला के हमले में जान गंवा चुके हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल के ठिकानों पर अपनी ज्वालामुखी वाली मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है। इस मिसाइल के बारे में नसरल्ला ने बहुत डिटेल में बताया है ताकि इजराइल को पता चल जाए कि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला इस बार किस तरह के हथियार लेकर तैयार बैठा हुआ है। زنت المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود. اب حزب الله کے महासचिव حسن نصر الله کی طرف سے جو دھمکی آئی ہے وہ اس یدھ کو کس لیول پر لے جائے گی؟ इसे लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। אנחנו ננצח. אנחנו לא נעצור עד לניצחון. אני עומד בקשר רצוף עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו מאוד מעריכים את תמיכתו, את התמיכה של הממשל האמריקני, את התמיכה של העם האמריקני. वैसे हिजबुल्ला को लेकर इजराइल की मदद करने पहुंचे अमेरिका को बिना लड़े एक बड़ा झटका लगा है। भूमध्य सागर में अमेरिका के समुद्री बेड़े का हिस्सा रहे 5 कमांडो एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान मारे गए हैं। अमेरिका के कैरियर यूएसएस फोर्ड से ऑपरेट करने के दौरान उसकी स्पेशल ऑपरेशन टीम यानी सील कमांडो दस्ते के 5 सैनिक एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए। इस वक्त इसराइल और अमेरिका के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थक है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनन का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही कोर इसराइल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूथी दोनों ने अपना हथियार गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है।
जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इसराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इसराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इसराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, यमन हो या फिर ईरान। इसराइल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।